और अंधेरों में भटकता मुसाफिर। अगर फनून लतीफा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज ठीक है कि नहीं? तमाम वाकयात अगर फितरी इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए थे। He was the man who unleashed terror at the CSC, taking several lives. As you can see, that young man there on your screens, surrounded in that red square. He was the man at the CSC, wreaking havoc and unleashing horror at CSC station, taking lives indiscriminately as he fired randomly at innocents. Today, 21-year-old Azam Amir Kasab has been captured. We have been told that Mumbai hamlo mein mubayyana taur par ek mulzim Asfal Kasab ka taluq Faridkot se hai. मुंबई पुलिस ने हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस 10 अफराद के नाम और तस्वीर जारी की। इन अफराद के बारे में दावा किया गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अजमल आमिर उर्फ कसाब का ताल्लुक फरीदकोट से मुलव्वस है। अजमल कसाब के वालिद को अखबारात में शाये होने वाली तस्वीर दिखाई गयी तो उसने तस्दीक की कि तस्वीर में नजर आने वाला उसका ही बेटा है। तहम फरीदकोट के बुजुर्ग का ये भी कहना था कि ये लड़का इसी गाँव का है। अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में भी मीडिया इसी तर्ज अमल को जारी रखे हुए है और बसाओकात मुल्की और कौमी मुफाद को पसे पुश्त डालकर उजलत में खबर निगारी की जाती है। गैर मयारी और कौमी मुफादात के खिलाफ रिपोर्टिंग की हालिया मिसाल भारत के शहर मुंबई में होने वाले दहशतगर्दी के वाकया के बाद कायम हुई। भारतीय और आलमी मीडिया ने कोई सबूत पेश किए बगैर इस वाकया को इस्लामी शिद्दत पसंदों के साथ जोड़ दिया। दूसरी तरफ मुल्की मीडिया ने भी दूसरों पर बाजी ले जाने की जल्दी में बेबुनियाद खबरें फ्लैश की। इन्ही बेबुनियाद खबरों में एक अजमल आमिर कसाब के हवाले से आलमी मीडिया में फैली हुई है। अजमल कसाब को पाकिस्तानी गांव फरीदकोट का रिहायशी बताया गया है। नवाए वक्त और वक्त न्यूज की टीम हकायक जानने के लिए इस जगह पहुंची तो कई चश्मकशा इंकशाफात हुए। अजमल कसाब नाम का कोई शख्स या इससे ताल्लुक रखने वाला कोई खानदान इस जगह कभी रिहायश पजीर रहा ही नहीं, जबकि निजी टीवी ने भी अपनी रिपोर्ट फरीदकोट नहीं बल्कि दीपालपुर के नुमाही गाँव चढ़क सिंह में तैयार की। मीडिया की रिपोर्टों में तजाद ये साबित करने के लिए काफी है कि हकाइक को मस्त करके पाकिस्तान को दानिस्ता दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है।
Pakistani stocks fell over 4% in early trade on Wednesday to their lowest level in more than 2 years as investors sold blue chips such as energy company OGDC amid persistent uncertainty. The benchmark Karachi Stock Exchange Index was down 4.4% at 9,020.50 points, a level last seen in June 2006. Dealers said this और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को यही नहीं पता क्या क्या होने वाला है, नई इन्वेस्टमेंट तो आने से रही, पहली वाली भी निकलती जा रही है। जियो के आने से वो ना सिर्फ अब ज्यादा बाखबर हो गए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में टेंशन भी बढ़ गया है। क्या करें, अगर इस मुल्क में खबरें ऐसी ही होंगी तो टेंशन तो बढ़ेगा ही। मैं यहाँ काम करती हूँ और मैं भी सोचती हूँ कि हम कब इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि लोग खुश तो नजर आए। शायद इसी टेंशन से ही हार मानकर मैंने लंदन जाने का फैसला किया है। यहाँ तो आए थे एक ही बात से मिलने आते हैं। बहुत परेशानी हो गई, दुकानदारी नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है। और हर इंसान खाब देखता है, हम भी देखते हैं, बस जो भी बनेगा अभी तो यही जिंदगी है। बंदा निकलता है तो जाने का पता नहीं होता, आने का पता नहीं होता, वो आपसे लौटेगा या नहीं। मुझे ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया का हिस्सा बन सकूंगी या नहीं, लेकिन ये जरूर उम्मीद है कि घर से दूर होकर पाकिस्तान को एक नई नजर से देख सकूंगी। पाकिस्तान तो बदल नहीं सकती, शायद उससे अपना रिश्ता बदल सकूं। आलिया ने पाकिस्तान छोड़ दिया। हर हफ्ते की रात 8:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर।